2016 के घर में प्रियंका और शिव ठाकरे को साथ में देख के हो चुकी है जनता काफी ज्यादा खुश। तरह तरह की बातें जनता कर रही है। किस तरह की बातें जनता सोशल मीडिया पर कर रही है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप भी इन सब चीजों से थोड़े बहुत सहमत है या आपके भी सेम विचार है, तो पूरी अपडेट जानने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे ही शिव ठाकरे की मम्मी कल एपिसोड से बाहर गई और फिर उस दौरान ही प्रियंका के भाई एपिसोड से बाहर गए, टनल में जो है शिव ठाकरे और प्रियंका खड़े थे, जहां पर शिव ठाकरे ने प्रियंका के कंधे पे हाथ डाल दिया और वहां पर ये दोनों चल के आते, काफी ज्यादा खुश नजर आती हैं। और फिर डाइनिंग टेबल के पास आके प्रियंका पूछती है कि कैसा लगा, तो जहां पर शिव बोलते हैं बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगता है। ये चीजें सुन के, ये चीजें देख के, ये मूवमेंट्स जानने के बाद जो सोशल मीडिया पर चर्चा करने लग गए हैं प्रियंका और शिव ठाकरे फैन, जहां पर कुछ फैंस का कहना यह है कि भाई हम लोग तो तैयार थे इन लोगों को आमने सामने देखने के लिए, यानी कि अगर एक विलन बनता है दूसरा हीरो बनता है, अगर वो हीरो ही विलन है तो दूसरा तो हीरोइन तो बन ही सकती है। तो हर एक सीजन में ऐसा ही हुआ, इस सीजन में चलो ऐसा नहीं हो पाया है, पर हम लोग इन दोनों को साथ में देख के भी काफी खुश हैं कि ये दोनों जो है साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, काफी दिख भी अच्छे रहे हैं, बात भी अच्छे कर रहे हैं, और ऐसा दुश्मनी इन दोनों के बीच में है भी नहीं। अगर कोई दुश्मनी ऐसी होती तो ये लोग ऐसा कभी गलती से भी एक दूसरे के कंधे पे हाथ ना डालते और बात ना करते, यानी कि इनकी बॉन्डिंग को जो है एक अलग तरीके से कुछ जनता जो है वो पसंद कर रही है। अभी आप अपने विचार बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।